हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिक्स आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन फ्लू डायनेमिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सप्रेस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार्स एंड टॉर टॉर और शराड़ा मुंडा ओके तो यहाँ पर एटमोसफेयरिक प्रेशर एक ए को हमने चेंज करना है किस में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार्स एंड टॉर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो हाइट होती है इना मर्करी वो कितनी होती है सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्करी मीन्स एच जी ओके एंड प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है पी इक्वल टू रो जी एच ओके एंड हाइट इज एच इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब पॉइंट सेवन सिक्स मीटर एंड रो ऑफ एच जी कितना होता है वो होता है 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर थ्री के जी पर मीटर क्यूब ये हो डेंसिटी ऑफ मर्करी एंड हमें पता है जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर गॉट इट नाउ वन एटीएम इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा पुट द वैल्यू रो जी एच की तो रो है थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू टें टू पावर थ्री इन टू जी इज नाइन पॉइंट एट एंड एच इज जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मीटर आफ्टर कैलकुलेट दमें मिल जाएगा वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन टू पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके सो वन ए टी एम एटमोस्फेरिक प्रेशर इन न्यूटन मीटर स्क्वायर में हमें मिल गया कितना हुआ 1.013 पॉइंट जीरो पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके सो फर्स्ट इज डन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नाउ सेकंड पोर्शन इज इन बार्स तो बार में हमें देखेंगे कि वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है टेन टू दी पावर माइनस फाइव बार ओके तो ये वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हुआ टेन टू बार वन ए टीएम में कितना हो जाएगा वन ए इक्वल टू हो जाएगा 1.013 पॉइंट बार गॉट इट अगर नहीं समझ में आया तो वन ए इक्वल टू 1.013 पॉइंट जीरो टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारे पास 10 टू पावर माइनस फाइव बार थे तो अब ये कट जाएगा फाइव माइनस फाइव इज जीरो पावर जीरो इज वन सो वन पॉइंट जीरो वन थ्री कितना हो जाएगा बार तो वन ए टी एम इक्वल टू हमारे पास आ गया वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार गॉट इट सेकेंड इज डन नॉ थर्ड इज टॉर टॉर ना शरा मुंडा ओके तो वन टॉर इक्वल टू होता है वन एम एम ऑफ मरकरी गॉट इट वन एम mm की हाइट होनी चाहिए मरकरी का तो उसको बोल दोगे वन टॉर और वन ए में हमने कितनी हाइट ली हुई थी 76 सिक्स ठीक है तो अगर उसको भी एम mm में चेंज कर दो तो सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ मरकरी हो जाएगा वन ए ठीक है तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं वन ए इक्वल टू टॉर में तो सेवन सिक्सटी हो जाएगा ना गॉट इट हमारे पास वन atm इक्वल टू आ जाएगा सेवन सिक्सटी टॉर वन एटीएम इक्वल टू वन पॉइंट जीरो इन न्यूटन मीटर स्क्वायर बार्स एंड टॉर गॉट विल बी लेंथ ऑफ मर्क कॉलम इन बैरोमीटर ट्यूब वेन द एटमोसफेरिक प्रेशर इज सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एंगल सिक्सटी डिग्री विद द हॉरिजोंटल डायरेक्शन क्या बोला बैरोमीटर की बात हो रही है बैरोमीटर समझ में आता है ना मरकरी से भरा हुआ है एक टब और एक ट्यूब ये मरकरी है चारों तरफ जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं ये जो पॉइंट है ये इट तो इस पॉइंट की जो प्रेशर होती है वो क्या होती है अगर मैं इसे पी ए बोल दूं तो इसका प्रेशर होता है जीरो क्यों होता है क्योंकि यहाँ वैक्यूम होता है और ये है पी बी और इधर मैं अगर बोल दूं पी सी तो पी बी इक्वल टू हो जाता है पी सी के और ये किसके बराबर होता है ए टी एम एटमोसफेरिक प्रेशर के भी बराबर होता है और तुम्हें पता है पी बी नीचे को है तो पी बी माइनस पी ए इक्वल टू क्या हो जाता है रोजी एच अगर हाइट इसकी क्या है एच है और यहां से पी ए क्या है जीरो है तो पी बी इक्वल टू रोजीएच सो तो पी बी हमारे पास क्या था एटमोसफेयर प्रेशर था तो वो रोजी एच तो वहां से एक फॉर्मूला निकल गया जाता है हमारे पास बार का तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन क्या, क्या कह रहा है ये देखते हैं अब ये तो हमने ऐसे ही बता दिया आपको चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वॉट विल बी लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर ट्यूब वेन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 76 सिक्स मीटर ऑफ मर्करी एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड इनक्लाइंड कर दिया ट्यूब ये टब है टब में ही ट्यूब है ये इंक्लाइंड हो गया ठीक है अब इनक्लाइंड हुआ कितना 60. और प्रेशर एटमॉस्फेरिक ट्यूब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी 76 मीटर ऑफ मरकरी मतलब कि ये क्या हो गया हाइट हो गया 75 सॉरी 75 सेंटीमीटर ओके okay? 60 तुम्हारे पास पारे एंगल है तो पूछ रहा है लेंथ बता दो भाई ठीक है तो यहां पे साइन थीटा मीन्स साइन 60 इक्वल टू क्या लग जाएगा 75 डिवाइडेड बाय लेंथ तो एल इक्वल टू आ जाएगा 75 फाइव डिवाइडेड बाई 60 और साइंस सिक्सटी की वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है 75 फाइव अपॉन 60 की होती है रूट थ्री बाई टू तो सेवेंटी फाइव इंटू टू डिड बाई रूट थ्री तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.6 पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं ये समझ में आ रहा है ना ये लेंथ निकालना था हमें और ये इसने हाइट दे दिया 75 सेंटीमीटर वेन द एटमोसफेर प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी मींस हाइट दे दी लेकिन इंक्लाइन कर दिया उसको तो इंक्लाइन में कितना होगा वो हमें देखना है गॉट इट तो फिर वॉट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर टेन मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ लेक वेरी सिंपल एन का है क्वेश्चन टेन मीटर तो भैया लेक है टेन मीटर यहां पे क्या है प्रेशर ऑफ किसका एटमोसफियर का तो मतलब पी ए टी एम और टेन मीटर बिलो यहां पे तुमसे पूछा जा रहा है ठीक है यहां का प्रेशर बताओ तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा पी ए टी एम प्लस रो जी एच और रो ऑफ वाटर कितना होता है भाई साहब रो ऑफ वाटर होता है वन थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब Got it? And G तो हमने लगाना ही है कितना है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाइट भी पता है टेन मीटर तो पहले रोजीएच कैलकुलेट कर लो या फिर पूरा एक साथ ही पूरा एक साथ ही कर लो तो भैया सबसे नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा P इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रोजीएच पहले क्वेश्चन में हमने करा पी ए टी एम इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना है लगभग वन पॉइंट जीरो वन थ्री था वन पॉइंट जीरो लगा देते हैं इंटू टेन टू पावर फाइव प्लस रो कितना है वन थाउजेंड जी कितना है नाइन पॉइंट एट एच कितना है टेन कर दो भैया सॉल्व सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट नाइन एट इंटू टेन टू दावर फाइव कितना पास्कल तो इसको अगर हम ए टी एम में लिखें तो कितना आ जाएगा टू ए टी एम आया भैया नहीं आया तो टू ए टी एम इज द आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 पॉइंट टू नाइन के जी पर मीटर क्यूब एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड देन हाउ हाई वुड द एटमोसफेयर एक्सटेंड एज्यूम दैट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड ठीक है तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा डेंसिटी भी हमने सेम ही मान रखना है ठीक है और प्रेशर तो बोला है कि हाइट कितना किस हाइट तक जो प्रेशर है वो वही सेम रहेगा तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या है पी इक्वल टू रो जी एच हाइट हमने निकालना है देन हाउ हाई वुड द ठीक है तो हाइट निकालना है तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन रो जी और पी हमने क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है बोलो बोलो कितना होता है 1.01 पॉइंट जीरो वन टेन टू फाइव और रो का वैल्यू दिया हुआ है 1.29 केजी पर मीटर क्यूब एंड जी इज़ 9.8 भाई साहब तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.981 मीटर या फिर बोल दो कितना अप्रॉक्स 7.9 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर बोल सकते हैं हम इसे 8 किलोमीटर तो हाइट कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर ओके चलिए थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बोजॉनिक्स थैंक यू